हाय गाइस, आई एम डॉक्टर अजित एंड मेरे साथ इस समय है मिस्टर वकिंदर जो थाईलैंड से मेरे पास आए हैं डेंटल इम्प्लांट्स की के लिए और इन्होंने फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट अपर जॉ में कंप्लीट करवा लिया है। आई थिंक हमने आपके कुछ दांत एक्सट्रैक्ट किए थे, उसके बाद हमने आपके 6 इम्प्लांट्स अपर में डाले और आई थिंक 4-5 सिटिंग्स के बाद हमने आई थिंक विद इन अ वीक आपको दांत मिल गए हैं, फिक्स दांत। तो अभी कैसा लग रहा है? How are your new set of teeth? It looks good. Looks good? Yeah. और ये अच्छे भी लगेंगे और they will आपके लिए लकी भी साबित होंगे, ये मेरा पूरा मानना है। बिकॉज मेरे पास बहुत सारे जो पेशेंट आते हैं ना, वो नए दांत लगवाने के बाद उनकी किस्मत बदल जाती है। तो आई होप दे ब्रिंग लॉट ऑफ गुड विशेस एंड गुड फॉर्च्यून्स टू योर लाइफ। एंड तो आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट इस डेंटल इम्प्लांट, फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में आपको कैसे पता लगा? दरअसल जो है कुछ यूट्यूब में भी देखे हैं और कुछ रिसर्चेस किए हैं जहाँ पर डॉक्टर्स ने किए हैं, कुछ कॉन्टेक्ट भी किए हैं, फोटो भी भेजे हैं, कुछ उनकी राय वगैरह लेके इसके बाद जो है फाइनलाइज किए हैं। तो आपने हमें कैसे डिसाइड किया कि हाँ डॉक्टर रजत सचदेवा से आपने ट्रीटमेंट करवाना? हाँ, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस है, आपके कई केसेस आपने देखे हैं और ज्यादातर केसेस अच्छे रहे हैं, तो उस वजह से जो है फोटोग्राफ लिया, उसके बाद हमने आपको बताया कि ऐसे आपके दांत लगेंगे, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि थोड़ा सा एक दिमाग में बैठ जाता है कि ऐसे मेरे दांत होंगे। हाँ हाँ, वो तो आइडिया बैठ जाता है क्योंकि कुछ रिसर्चेस तो किए हुए हैं, उसके बाद जो है जब आपने कुछ बताया तो कुछ समझ में आ जाता है कि कैसे इसका प्रोसेस है, उसके बाद है फाइनलाइज। यस, इंट्रा ओरल वेल्डिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम पेशेंट को विद इन अ वीक एक या दो सिटिंग में भी दांत दे देते हैं और हमने इंट्रा ओरल वेल्डिंग की टेक्निक के साथ इनको दांत दिए हैं। फास्ट ट्रैक इम्प्लांटोलॉजी है और बहुत बहुत ईजी रहता है पूरा प्रोसेस। 2 इम्प्लांट स्टेरिगॉइड में डाले, 2 इम्प्लांट निसालिस में और 2 जाइगोमैटिक में, और पूरा जो प्रोसेस था आई थिंक इट टुक अराउंड 2.5 hours फर्स्ट डे में इम्प्लांट के लिए। ओके, तो उसके बाद हमने फिर इनका ट्रायल लिया और फिर टीथ सेटिंग ट्रायल के बाद आज हमने इनके दांत लगा दिए हैं। नाउ ही इज फ्लाइंग बैक टू थाईलैंड और आई जस्ट होप दैट हमने जो भी मेहनत की वो सफल हुई आपकी स्माइल से। अब आप जाएंगे, अब आप धीरे धीरे च्यू करेंगे, शुरू में थोड़ा सा लगेगा, उसके बाद आप मेरे पास जाने से पहले कल आएंगे तो मैं आपको फ्लॉसिंग करना बताऊंगा, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना, ठीक है। तो अब वो जो सामने वीडियो देख रहे हैं ये हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में, फिक्स प्रोसेसेस के बारे में, और ज़रूर बताना चाहूँगा कि पॉसिबल है फास्ट ट्रैक इम्प्लांटोलॉजी से, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू वेट। बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो इम्प्लांट्स के लिए कम से कम 10-15 बार विजिट करते हैं, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल इम्प्लांटोलॉजी से ये संभव है, जब आप इम्प्लांट्स कराते हैं तो वो हम उसको 3-4 सिटिंग में कंप्लीट कर सकते हैं। तो उन पेशेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे? बस ये है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। यस, पहले लगता है कि कुछ बड़े सर्जरी हैं, कुछ डर लगता है, यूट्यूब में वीडियो देखे होंगे इसीलिए। हाँ जी, लेकिन जो है करने के बाद ये समझ में आता है कि कोई डरने की कोई बात नहीं है और क्विक प्रोसेस है। बस थोड़ा जो है पहले नया लगेगा, लेकिन थोड़ा हिम्मत रखने की ज़रूरत है बस। हाँ जी, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। जिसने थ्रू नहीं किया है वो को लगता है एक नई चीज़ है, लेकिन जो प्रोसेस के हिसाब से देखा तो सब कुछ ठीक है और आगे भी ठीक नज़र आ रहा है। तो आपको क्लिनिक सही लगा, अच्छा लगा क्लिनिक? बिल्कुल ठीक। आपने अब आप अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, अपने पड़ोसी को पक्का बताने वाले हो? जरूर बताएंगे, जरूर कमेंट करेंगे, अगर कुछ ऐसी बात होगी तो आएंगे यहीं। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली। थाईलैंड एंड इंडिया इज वेरी नियर। वेरी नियर, यस। इट्स ओनली 3 hours. वेरी वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट, यस। यस, एंड नाउ इट इज इट डजंट टेक टाइम फॉर इम्प्लांट आल्सो, सो यस, लॉट्स ऑफ चांसेस ऑफ कमिंग बैक। यू नो, आई एम सो हैप्पी दैट लॉट ऑफ पेशेंट्स पूरी दुनिया से, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो US हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो, चाहे वो एशियन कंट्रीज़ हो,
पेशेंट्स आर कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड डेंटल इम्प्लांट्स के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं हमारे पास, और अच्छा लगता है कि जब पेशेंट्स ट्रस्ट करते हैं और इंडिया एक अच्छे दौर पे जा रहा है जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है और हम लोग बहुत स्किल्ड हैं. डिजिटल डेंटिस्ट्री में इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, स्पेशली हमारा जो लैब का काम है, हमारा जो प्लानिंग है, हम लोग जिस तरह से सर्जरीज करते हैं बहुत शानदार है. और मैं सिर्फ अपने जो हमारे कुलीग्स हैं उनको शाबाशी देना चाहूँगा, हमारे लैब वालों को शाबाशी देना चाहूँगा, बिकॉज ये एक बंदे का काम नहीं है, एक पूरा टीम एफर्ट है. तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट माई टीम एंड टू मेक दिस सर्जरी सक्सेसफुल. और अगर आपको भी जानना चाहते हैं फुल में डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में, डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में, मिसिंग टू कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में, हम वी हैव मोर देन 700 यूट्यूब वीडियोज. और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. वी यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब. आपने हमारा चैनल देखा है यूट्यूब का? हाँ जी. उसी के बेस पर. ये सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम होता है पेशेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, पेशेंट्स को बताने के लिए कि डेंटल इम्प्लांट्स होता क्या है और कैसे भी दांत हो आप प्लानिंग से फिक्स दांत पा सकते हैं. तो फिक्स जब मैं दांत बोलता हूँ तो उसमें चार चीजें होती हैं. फिक्स दांत जो मॉडिफाई हो सकते हैं, रिप्लेस हो सकते हैं, रिट्रीव हो सकते हैं और मेंटेन हो सकते हैं. तो कन्वेंशनल और बेसल में सिर्फ फ़र्क यही होता है कि जो मेंटेनेबिलिटी होती है कन्वेंशनल इम्प्लांट्स की, वो बेसल इम्प्लांट्स से ज़्यादा अच्छी होती है. इसलिए थैंक्स अ लॉट.